हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं तोरई की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से छिल करके ले लिए हैं, इसको अच्छे से धो करके इसके बाद इस तरह से गोल गोल काट लेंगे इसको। बहुत अच्छी सब्जी बताऊंगी मैं, बहुत ही नए तरीके से बना रही हूँ इसको। मैं सोची क्यों नहीं आप लोग के साथ भी इसको शेयर किया जाए। तो मैं देखिए, इस तरह कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। अब इसमें जीरा, तो इसे सरसों काला, देखिए सतर्क गया, वो उसमें प्याज में डाल दे रही हूँ। इधर जब तक प्याज भुनता है, जब तक मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए दो बड़ा प्याज टमाटर लिए हैं, धनिया, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची, यहाँ एक चम्मच बेसन ली हूँ, इशारा को थोड़ा सा धनिया के ली हूँ। सारा को एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से सारा को डाल दे रही हूँ। अभी इसको ढक्कन लगा पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए पेस्ट बन गया है। इधर प्याज देखिए फ्राई हो गया है थोड़ा सा। अब इस स्टेज पे इसमें डालूँगी लहसुन एक चम्मच। तो इसको दरदरा कूट ली थी मैं लहसुन को, डाल दी नमक स्वाद के अनुसार, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची दी है, इससे कलर अच्छा आएगा। हमें हल्दी भी साथ में डाल दिए हैं, और जो सारा पेस्ट बनाए थे मसाले के, वो सारा पेस्ट को डाल दूँगी। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, तेल छोड़ने तक। ये गया फ्राई मसाला। अब इसमें जो कटा था गिल की वो डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ में। इसमें और नमक डालेंगे कि क्योंकि प्याज ही भर नमक डाले तो उसमें। यहाँ थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी डाली हूँ। सारा को इस तरह से फ्राई कर ले गया है। अब इसमें पानी डाल करके 20-25 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। देखिए हो गया है। इसमें गरम मसाला डाल देंगे। शेयर करें।